नमस्कार। कल हमने बेस के नियम को देखा था एवं परिकल्पनाओं की सत्यता की जांच में इसका उपयोग सीखा था। अब हम बेस के नियम पर ही आगे बात करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास परस्पर अपवर्जी घटनाओं F1, Fn का घटनाएं F1 से Fn हैं, जो जिनका सम्मिलन प्रतिदर्श अर्थात हमारे पास घटनाएं F1 से Fn हैं, जहां पर इनका सम्मिलन प्रतिदर्श समष्टि है एवं किन्हीं दो घटनाओं का प्रतिच्छेदन, किन्हीं दो घटनाओं Fi और Fj का प्रतिच्छेदन एक रिक्त सेट है, जहां पर कि I और J बराबर नहीं है एवं I तथा J दोनों इस समष्टि के अवयव हैं। अब किसी अन्य घटना ई के लिए हम लिख सकते हैं ई बराबर है ई प्रतिच्छेदन एस बराबर है ई प्रतिच्छेदन सम्मिलन आई एक से एन बराबर है सम्मिलन एन ई प्रतिच्छेदन फाई। अब बचे हुए कोर्स में सरलता के लिए हम प्रतिच्छेदन का प्रयोग बहुत करते हैं, इसलिए सरलता के लिए हम ई प्रतिच्छेदन एफ को ई एफ ही लिखेंगे। यह केवल सरलता के लिए उठाया गया एक कदम है। अब क्योंकि हम लिख सकते हैं ई बराबर है तब हम यह भी लिख सकते हैं प्रायिकता ई बराबर है अब क्योंकि Fi परस्पर अपवर्जी हैं, तो EFi भी परस्पर अपवर्जी ही होंगे एवं हम इसे लिख सकते हैं अब फिर से मान अर्थात हम E की प्रायिकता को इस रूप में लिख सकते हैं। अब
फिर से मान कि ई एक घटित घटना अथवा एक साक्ष्य है एवं इसके आधार पर हम विभिन्न घटनाओं अथवा परिकल्पनाओं की प्रायिकता जांचना। अब फिर से मान लीजिए कि एक ई एक साक्ष्य है एवं इसके आधार पर हम विभिन्न घटनाओं अथवा परिकल्पनाओं की सत्यता की प्रायिकता जानना चाहते हैं अथवा हम यह है कि ई के होने पर एफ एक एफ एन से किसके होने की अधिकतम है। यहां यह समझना अनिवार्य है कि एफ एक से लेकर एफ एन में से एक और केवल एक घटना का होना निश्चित है। हम यह जानना चाहते हैं कि एफ एक से एफ एन में से किसके होने की प्रायिकता अधिकतम है। यहाँ से यह समझना अनिवार्य है कि इनमें से एफ एक से एफ एन में से लेकर केवल एक ही घटना घटित हो सकती है और एक घटना घटित होगी ही होगी। अब हमारे पास निम्न प्रस्ताव है प्रायिकता एफ जे उपस्थित ई बराबर है प्रायिकता ई एफ जे भाग प्रायिकता ई, जैसा कि हमने पहले देखा था, बराबर है प्रायिकता ई उपस्थित एफ जे प्रायिकता एफ जे भाग आई एक से एन पर जाते हुए प्रायिकता ई उपस्थित एफ आई प्रायिकता एफ आई। यह अब यह अगर हम इसे देखेंगे तो हमने पिछले व्याख्यान में बेस के सूत्र का जो रूप देखा था यह बेस के सूत्र का एक व्यापक रूप है एवं हम इसे भी बेस का सूत्र ही कहते हैं। यह भी बेस का सूत्र ही है किंतु यह
उसी सूत्र को एक व्यापक रूप में लिखने का माध्यम है एवं इस सूत्र का प्रयोग करके हम एक ही दृग विषय को समझने हेतु बनाई गई n परिकल्पनाओं की सापेक्ष प्रायिकता सकते हैं एवं उनमें से सबसे अधिक संभव परिकल्पना का चुनाव उनमें से सबसे अधिक संभव परिकल्पना का चुनाव कर सकते हैं। वैसे यह को जैसा कि आप जानते हैं यह कोर्स दो भागों में विभक्त है, जहां सिद्धांत मैं पढ़ा रहा हूँ एवं उदाहरण आपके दूसरे कोर्स में चल रहे हैं, किंतु यह समय ऐसा है अथवा बेस के सूत्र को पूर्णतः समझने के लिए कोर्स के इस भाग में हमारे लिए एक उदाहरण लेना आवश्यक है। अब हम उस आवश्यक उदाहरण को देखेंगे। यह एक आवश्यक उदाहरण है, यह कोर्स के इस भाग में करवाया जा रहा है, अन्य उदाहरण कोर्स के दूसरे भाग में ही रहेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति में किसी व्याधि, जिसे सरल भाषा में बीमारी कहते हैं, के होने की तापी है। कोई भी अनुवांशिक बीमारी अथवा कुछ भी जो पूरे जनसमूह में किसी भी एक व्यक्ति में हो सकता है, वह उसकी एक व्यक्ति में होने की प्रायिकता पी है। यह व्याधि पूरे जनसमूह पॉपुलेशन में यादृच्छिक रूप से प्रायिकता पी के साथ ही उपस्थित है। किंतु क्योंकि यह एक उदाहरण है, इसलिए हम यह मान सकते हैं कि इस बीमारी का उपचार अगर यह बीमारी पकड़ी जाए तो इसका उपचार संभव है। यह एक सरल रक्त परीक्षण द्वारा पकड़ी स्वस्थ व्यक्ति
को यह उपचार हानिकारक है, स्वस्थ व्यक्ति को वह उपचार देना हानिकारक है, एवं चार को बीमारी की जांच की परिशुद्धि अर्थात एक्यूरेसी क्यों है, अर्थात यदि हम उस परीक्षण के नतीजों को प्रायिकता क्यों के साथ सत्य मान सकते हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यदि जनसमूह जिस जनसमूह में यह व्याधि व्याप्त है में से कोई भी व्यक्ति बिना किन्हीं विशेष लक्षणों, हम यह भी आराम से मान सकते हैं कि इस बीमारी के लक्षण उतने आराम से नहीं दिखाई देते, बिना किन्हीं विशेष लक्षणों के अपनी जांच करवाता है और उस जांच का परिणाम धनात्मक पॉजिटिव आता है तब उस व्यक्ति में इस व्याधि के होने की सुनने में यह प्रश्न सरल सा लगता है कि हमने किसी बीमारी को जांचने के लिए एक परीक्षण बनाया, उस परीक्षण की परिशुद्धि हम जानते हैं एवं हम यह भी जानते हैं कि स्वस्थ व्यक्तियों में वह बीमारी किस रूप से व्याप्त है, तो हम यह कह सकते हैं कि अगर परीक्षण की परिशुद्धि क्यों है तो इस बात की प्रायिकता भी क्यों ही है कि तुम्हारा परीक्षण धनात्मक आने पर तुम्हें वह बीमारी है। किंतु हमारा यह सरलीकरण इस विशेष दशा में अति सरलीकरण हो जाता है, अथवा सरल उत्तर कि यदि परीक्षण की तब जांच का परिणाम धनात्मक आने पर व्यक्ति भी क्यू के साथ रोगग्रस्त है गलत है, अर्थात यह सरल उत्तर सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर निकालने के लिए हम थोड़ा सा गणितीय रूप से सही उत्तर निकालेंगे। अब वह निकालने के लिए हम यह जानते हैं, उससे पहले हम कुछ परिभाषाएं देंगे। हम कहेंगे H0
व्यक्ति के बीमार होने, एच जीरो है व्यक्ति के बीमार होने की घटना, बीमार एच जीरो है व्यक्ति के बीमार ना होने की घटना, एच वन है, एच एक है व्यक्ति के बीमार होने की घटना। यह है दो परिकल्पनाएं हैं, एक व्यक्ति बीमार हो सकता है, दो व्यक्ति बीमार नहीं है। इसी प्रकार टी शून्य है व्यक्ति की जांच ऋणात्मक नेगेटिव आने घटना, टी एक है व्यक्ति की जांच धनात्मक अथवा पॉजिटिव आने की, व्यक्ति की जांच पॉजिटिव आने की घटना। अब हम जानते हैं, कि व्याधि के होने की प्रायिकता अथवा एच एक के होने की प्रायिकता बराबर है पी, एवं परिशुद्धि है क्यू। अब परिशुद्धि को परिभाषित करने का समय आ गया है। परिशुद्धि अथवा एक्यूरेसी इसका अर्थ है जांच का परिणाम जांच के परिणाम में व्याधि के होने अथवा न होने की ठीक सूचना की, जांच के परिणाम में व्याधि के होने ना होने की ठीक सूचना की प्रायिकता, अथवा यदि बीमारी है तब जांच का परिणाम धनात्मक आने की, अथवा यदि बीमारी नहीं है तब जांच का परिणाम ऋणात्मक होने की प्रायिकता। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि परिशुद्धि असल में बीमारी के होने न होने से प्रतिबंधित के परिणाम की प्रायिकता है, जबकि जांच का परिणाम आने पर हमारी रुचि जांच के परिणाम
सापेक्ष मारी के अथवा न होने की जानने। यह सरल है कि जो परिशुद्धि परिभाषिक रूप से बीमारी के होने न होने पर प्रतिबंधित है एवं उस जांच के परिणाम की प्रायिकता है, जबकि हमारी रुचि जब वह जांच का परिणाम दिया गया था अथवा उस जांच के परिणाम को प्रतिबंध के रूप में लेकर बीमारी के होने न होने की प्रायिकता जांचने में है, अथवा परिशुद्धि है हम चाहते हैं अथवा जांच धनात्मक आने पर बीमारी व्याधि रोग इनके होने की प्रायिकता क्या है। यह किंतु हमने देखा बेज के प्रमेय से तो यह निकालना सरल है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। हमने यह देखा कि अथवा बेज के सूत्र के अनुसार प्रायिकता अब क्योंकि हमारे पास परिशुद्धि P है तो सरल रूप से परिशुद्धि Q है तो यह सरल रूप से एक घटा Q हो गया, अथवा मैं इसे लिख सकता हूँ Q P Q P एक घटा P अब पी क्यू भाग यह सरल है। अब यह तो सरल है कि हमने बेज के नियम का प्रयोग किया एवं बेज के नियम का प्रयोग करके हमारे पास यह आ गया, किंतु अब हम एक उदाहरण इस उदाहरण का एक उदाहरण लेते हैं जहां हम यह कहते हैं बीमारी 100,000 में से एक अथवा यह एक यह बीमारी उतने आम तौर पर नहीं पाई जाती एवं यह 100,000 में एक को हो, अर्थात P बराबर है। हम यह कहते हैं कि परिशुद्धि हमारे परीक्षण की परिशुद्धि है 99.9% अथवा Q बराबर है। अब यह ध्यान में रखते हुए अब मैं भाजक डिनोमिनेटर को लिख सकता हूं जो कि करीब करीब यह होगा अथवा
करीब करीब इतना होगा, जो कि बराबर है करीब करीब अथवा अर्थात एवं क्यू के लिए यदि आपकी जांच धनात्मक आती है तब भी आपको वह बीमारी न होने संभावना 99% है। यदि आपकी जांच धनात्मक आती है, यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, इस सूरत में तब भी आपको बीमारी ना होने की संभावना 99% है। अथवा परिशुद्धि की इस संदर्भ में परिशुद्धि की जो परिभाषा हमने दी थी, परिशुद्धि की पूर्व लिखित परिभाषा अपूर्ण है, अथवा उसमें कुछ ऐसा है जो हमें और जोड़ना चाहिए जिससे कि हम ऐसे प्रयोगों की परिशुद्धि को बेहतर रूप से समझ सकें। इसके लिए हमें फिर से पिछले व्याख्यान में जो हमने कहा था, हमें फिर से साक्ष्यों पर जाना पड़ेगा। हम यह देख सकते हैं कि हम किसी भी घटना अथवा परिकल्पना की प्रायिकता, यहाँ परिकल्पना का अर्थ है परिकल्पना के सत्य होने की प्रायिकता के हम किसी भी घटना अथवा परिकल्पना के सत्य होने की प्रायिकता दो लातों में एक किसी भी साक्ष्य की उपस्थिति में अप्रतिबंधित एवं साक्ष्यों की उपस्थिति में उन साक्ष्यों को प्रतिबंध मानकर, साक्ष्यों साक्ष्य की अनुपस्थिति में अप्रतिबंधित प्रायिकता एवं साक्ष्यों की उपस्थिति में उन साक्ष्यों को प्रतिबंध मानकर प्रायिकता। अब प्रायिकता का यह पहला रूप जहाँ पर कि हमने किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया है, वह उस घटना यह है। घटना अथवा कल्पना की पूर्ववर्ती
प्रायिकता है यह उस घटना अथवा परिकल्पना की पूर्ववर्ती प्रायिकता कहलाती है। यह उस घटना की पूर्ववर्ती अथवा प्रायर, यह बिना किसी साक्ष्य के अथवा किसी भी साक्ष्य की अनुपस्थिति में किसी घटना की अप्रतिबंधित प्रायिकता उसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी अथवा पूर्ववर्ती प्रायिकता कहलाती है, एवं साक्ष्यों की उपस्थिति में उन साक्ष्यों को प्रतिबंध मानकर गणित की गई प्रायिकता उस घटना की पश्च्य प्रायिकता अथवा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहलाती है। एवं हम यह देखते हैं कि किसी भी जांच में हमारा ध्यान असल में हमारी परिकल्पनाओं की हमारा ध्यान पश्च प्रायिकताओं पर ही होता है। अब हम यह कह सकते हैं हम जांच को की परिशुद्धि इस प्रकार रखना चाहते हैं कि उसकी पश्च प्रायिकता आर या हमें निर्णय लेने में सक्षम कर सके। हमने बेस प्रमेय देख लिया एवं हमने यह जान लिया कि बेस प्रमेय का प्रयोग हम किस प्रकार पूर्ववर्ती प्रायिकताओं से पश्च प्रायिकताएं निकालने के लिए कर सकते हैं एवं हमने इनकी महत्वता देख ली। अगले व्याख्यान में हम स्वतंत्र घटनाओं के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।